हेलो बच्चों, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज का जो वीडियो है उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है, उस कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 55। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित भिन्नों में उचित और विषम भिन्न को छांटकर अलग कीजिए। अब उचित भिन्न कौन सी है? जिसका अंश छोटा है। उचित क्या है? अंश छोटा। और विषम भिन्न क्या है? अंश बड़ा। उचित में अंश छोटा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। अब अंश क्या होता है? तो ऊपर भिन्न के अंदर दो संख्या होती है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये होता है अंश, ठीक है ना? ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला। अब इसमें उचित होनी चाहिए, तो 3/4। 3 छोटा है ना, तो ये उचित है 3/4। 9/7। अब 9 बड़ा है, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी है, अंश बड़ा है। अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न है, 9/7, या विषम भिन्न भी कह सकते हैं। 11/15। 11 छोटा है, ऊपर वाली संख्या 11/15। नेक्स्ट है 8/11, वो भी इसी में आएगी। अब 11/11 है जो उचित भिन्न ही है, तो 11/11। 5/3 अनुचित में आ जाएगी, क्योंकि 5 बड़ा है इसमें ऊपर वाली संख्या। 8/3 जो है वो भी अनुचित में आएगी। 8/10 सही है, तो 8/10 उचित भिन्न है। 17/12 ये जो है अनुचित भिन्न है। और 12/19 जो है वो भी क्या है? उचित भिन्न है। तो 12/19 तो उचित भिन्न है ना। जैसे 3/4 उचित है, 11/15 उचित है, 8/11 उचित है, 11/11 उचित है, 8/10 उचित है, और 12/9 ये सारी क्या उचित भिन्न है, बाकी सारी विषम भिन्न है। नेक्स्ट अगला, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अगला है, निम्नलिखित अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो अब इसको लिखने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको सही से करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। जैसे पहला वाला तो किया हुआ ऑलरेडी, 11 में 10 का भाग देना है, तो 10 एकम 10 एक बार आया, और 10 11 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पे एक भागफल कितना आया? 1 आया, तो 1 लिखिए आगे। शेषफल कितना बचा? 1, तो 1 लिखिए आगे, और 10/10, तो 1 सही, 1/10 यहाँ पे है। तो 5 एकम 5, बचेगा शेषफल 4, और नीचे कितना आ जाएगा? 5, 5 एकम 5 आ जाएगा। करके दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पर 9 है, 5 का करेंगे तो 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, तो 1 आगे आ जाएगा, 4/5, 4 ऊपर नीचे 5, ठीक है ना? नेक्स्ट 18/11, तो 11 एकम 11, 7 बचेगा 7/18, 1 सही 7/18। नेक्स्ट है 25, 19 एकम 19, बचेगा कितना? 6, तो 1 सही 6/19, 1 सही 6/19। नेक्स्ट है 18/17, तो 17 एकम 17, 1 बचेगा, तो 17 सही 1/17, 1 सही 1/17, ठीक है? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आंसर, इसका आंसर ये रहा, ठीक है ना? तो ये आंसर हमारे सारे कंप्लीट हो गए इसके। अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है? तो 2 को, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, इसको करेंगे। 2 को 6 से गुणा कीजिए, 2 6 12, 12 और 1 13, तो 13/2। 4 को 5 से गुणा किए, 4 5 20, 20 में 3 जोड़ा, 23/4। नेक्स्ट है 11 सही 1/2, तो 11 2 22, 22 और 1 23/2, 23/2। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, तो 7 8 56, 56 में 6 जोड़ लीजिए, 57 58 59 60 61 62, 62/7, 62/7। नेक्स्ट है 6 सही 4/9, तो 9 6 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58/9, ठीक है ना? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है ना? निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में हमको लिखना है। आरोही का मतलब होता है
छोटे से बड़ा। अब छोटे से बड़ा तो इसमें 1/7 सबसे छोटी संख्या है, फिर उसके बाद 2/7, उसके बाद 3/7 तो है नहीं इसमें, 4/7 लिखना है, 5/7, 6/7, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें 1/11 सबसे छोटी संख्या है, याद रखना 1/11 सबसे छोटी है, फिर 1/8 उससे बड़ी है, फिर 1/5 उससे बड़ी है, 1/4 फिर उससे बड़ी है, और 1/3 सबसे बड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला, सत्य सत्य कथनों को छाटिए। यदि दो भिन्नों में हर समान हो, दो भिन्नों में हर समान हो, हर मतलब नीचे वाली संख्या, जैसे मैंने लिखा 2/5 और 3/5, तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, क्या ये बड़ी होती है? तो नहीं होती है, असत्य है, ये वाली बड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये वाली राइट है बट ये गलत है। यदि दो भिन्नों में अंश समान हो, मतलब 1/3 और 1/4 दोनों में अंश समान है, तो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली मतलब 4 भिन्न छोटी होती है, तो ये सत्य है, ठीक है ना। ये क्या आंसर हो गया? सत्य हो गया। तो कंप्लीट हो गया हमारा कार्यपत्र 55। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।